तेज गर्मी, मिस्त्री मजदूर काम कर कर के पागल हो गए, और आप लोगों को आपकी भाभी आ रही है, मैं क्योंकि इधर ये देखें चारों तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर वापस से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के करम से, बाबा की दुआओं से और आप सब की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट हूँ जी। आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बातें तो व्लॉग में होती रहती है, लेकिन देर ना करते हुए सीधा पढ़ते अपने व्लॉग की तरफ। अब जी आपको दिखाता हूँ कि काम क्या क्या हो गया है आज जी। हर तरह का काम हमारा फाइनल हो जाना है। अभी 3 बजे का टाइम है, 5 बजे तक सारा काम फाइनल हो जाएगा। तो ये देखें जी, यहाँ से ये फाइनल है, ठीक है, ये घर के अंदर से अब आए निकलते हैं। अच्छा जी, अब ये हो रहा है, ये थोड़ी देर तक ये फाइनल हो जाएगा, ठीक है। और कल बाहर से दिखाया था, अब दोबारा बाहर से दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये फ्रंट फाइनल हो गया, ठीक है। उसके अलावा इस साइड से था, इस साइड से स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये लग चुके हैं, ये भी घंटे दो घंटे तक बिल्कुल फाइनल हो जाएगा। अब चलते हैं ऊपर, और ऊपर जाके देखते हैं कि क्या क्या हो गया और क्या क्या रह गया। ये देखिए जी, ऊपर से बिल्कुल फाइनल हो गया। ये देखिए चारों तरफ से, बाकी जी इसके बाद काम ये रह गया कि इस जगह पे लगनी है ग्रिल, वो भी आपको दिखाएंगे जब लग जाएगी। और ये सामने सीढ़ियों पे लगनी है, ठीक है, तो तब बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अभी ये है कि दीवार प्लास्टर वगैरह कंप्लीट हो गया, सिर्फ लास्ट हमारा काम जो उनसे रह गया वो यही है कि इस पर स्टील लोहे की ग्रिल लगनी है। जी वाह, क्या बात है जी, क्या बात है मम्मा जान। इसी बाहर इतनी गर्मी, शदीद गर्मी, मिस्त्री मजदूर काम कर कर के पागल हो गए, और आप लोगों को पता ही नहीं, आप लोग रूम में बैठे हुए। वाह भी वाह, मिस्त्री है ना, इसलिए फिर रूम में बैठने पड़ते। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, सब कैसे, उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत होंगे, जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। फिर बाहर आपको पता है ना कि जैसे कि काम हो रहा है घर का, तो वो अब मिस्त्री घर हो तो फिर हमें रहने में मुश्किल होती थी, इसलिए तकरीबन 2 से 3 दिन हो गए हम तो रूम से निकले ही नहीं। शाम को निकलते हैं मगरिब के टाइम, अफ्तारी के टाइम बाहर निकलना है, अफ्तारी की। फिर रात को वैसे हम रूम में सोते हैं क्योंकि हम यहाँ तो एसी चलाया और हम सो गए, दिन में भी हम सारा दिन रूम में। हमें तो ऐसे लग रहा है कि तकरीबन ना मतलब ब्लैक ब्लैक दरिया में बाहर निकली ना, तो मुझे सूरज ऐसे लग रहा था, इतनी गर्मी और सूरज की शवाएं, आंखें नहीं मेरी खुल रही थी, बिल्कुल आंखें बंद हो गई थी, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। 2 दिन मुझे फीवर रहा, फ्लू अभी भी है, फिर मेडिसिन दी, इंजेक्शन वगैरह लगे, अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतर हूँ पहले से, इससे पहले पहले ही रिकवर होने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि अब ईद भी आने वाली है। और आप लोगों की कॉमेंट्स भी मैंने पढ़े, मुझे बहुत अच्छा लगा, सब ने अपनी राय का इजहार किया। अब देखेंगे कि किसका सही होता है, और नतीजा हो जाए या तीसरा हो जाए। सही, तो बाकी माशाल्लाह जी घर का काम कंप्लीट हो गया, वो कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा, लुक ही चेंज हो गई घर की, चेंज हो गई, और थोड़ा सा रह गया फिर ईद के बाद, वो ईद के बाद करवाएंगे। ये जो मेरी कैट है ये सुबह सहरी टाइम से सो रही थी, अभी उठी है क्योंकि हमने लस्सी पी थी, और सहरी में उसको लस्सी भी पिला दी। अच्छा, सुबह से लस्सी के बाद मुझे और तब से सोई पड़ी है, अब शाम मेरे ख्याल में 4 बज रहे होंगे टाइम, और अब उठी है सुबह सहरी टाइम से सो रही है। बड़ी बात है, बड़ी सुस्त हुई, बड़ी नींद आ रही है, और लस्सी पी, वो देखो अभी भी कह रही सोने दो। चले सही है, तो मतलब कि आज आखिरी दिन है, उसके बाद फिर हम फिर ईद के बाद जो रहता तो अभी काफी है, गेट के सामने टायर लगानी है और ऊपर भी लगानी है, और वैसे भी अब ईद की तैयारी भी तो करनी है। आपको पता है कि ईद पे वैसे बंदा सेटिंग करे ना करे, ईद पे मस्ट होता है कि घर की सेटिंग चेंज होनी ही होनी है, तो वो अब सेटिंग चेंज करनी है, ये वो सफाइयाँ वगैरह, तो इस लिहाज से फिर आज लास्ट डे है, काम स्टाफ बाकी इंशाल्लाह ईद के बाद।
इंशाल्लाह कल से हमारा काम शुरू मिस्त्री होगा खत्म। हाँ जी फिर फिर वो लेडीज वाला खींचना कोई इधर से उधर ऐसे घर की खाम खाम में सेटिंग चेंज कर देनी है ना, वो तो करनी होती है। चले सही है। आपकी भाभी आ रही है, मैं क्योंकि इधर चार पे रख के बैठा हूँ, वैसे चार पे हमने ऊपर रखी हुई है लेकिन मैं नीचे लेके आया हूँ, मैंने कहा यार चार पे बैठ के नहीं तो अपना ही मजा है। कैसी है? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बैठ जाए आप भी हमारे पास। तो मैं तो इस तरह जी ओपन खुला बैठना मुझे पसंद है, मतलब इतना भी नहीं ओपन छाता है ऊपर, लेकिन ये है कि यहाँ से चलो थोड़ा बहुत हवा वगैरह आती है, माशाल्लाह बहुत एरी है। हाँ एरी है घर बिल्कुल ऐसे ही है। तो बाकी जी आपके साथ शेयर करेंगे जो जो कुछ हो रहा है। अभी थोड़ी देर में अफ्तारी होने वाली है, अब इस टाइम तो हम अफ्तारी का इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ जी इफ्तारी करके फिर हमारे में एनर्जी आएगी, फिर हम कुछ करेंगे और मजीद आपको आगे दिखाएंगे। इस टाइम तक एनर्जी खत्म हो चुकी होती है, खत्म हो चुकी होती है बिल्कुल जी, और मजीद आगे आपको आपके साथ और भी चीज़ें शेयर करेंगे हम। तो क्या क्या हो रहा है मजीद, और काफी कुछ कर भी चुके हैं ना, पर जी बस जी रोजे पता ही नहीं चला कैसे गुजर गए, रोजे वाकई रमजान का महीना पता ही नहीं चला और रोजे खत्म भी हो गए, खत्म भी हो गए देख लें। आपकी भाभी कह रही हैं कि आज शबे कदर की रात है, आज शबे कदर की रात है, और मैं बीबी इधर सामने ही है सारा कुछ है ना। सही बात है। तो इंशाल्लाह जी हम रोजा इफ्तार कर लें, फिर हमारे में दोबारा से एनर्जी आएगी, और फिर वो आपका काका रो गया वो सामने चार में, उसको उठा के ले आए। तो मैं जी इधर बैठा हूँ, इधर ना हवा वगैरह बड़ी ठंडी या फारी, क्योंकि आज मौसम भी थोड़ा सा सही है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, मौसम ठीक है। तो रूम खैर ज़्यादा ठंडा है, लेकिन उधर ना थोड़ी सी लाइट का इशू बन रहा था, मैंने कहा मैं यहाँ पर बैठता हूँ, ब्लॉग श्लॉग भी बनाता हूँ, मजीद आपके साथ चीज़ें भी शेयर हम करेंगे। आपकी भाभी काके को उठा के ले आई, क्योंकि काका हमारे बिना ना रहता नहीं, कोशिश करी रहता है मेरे सामने बैठे रहा, अकेला नहीं रहता, वो कहता है मुझे भी ले आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सामने आ जाओ आ जाओ जामू जामू काका जामू काका। सो गाइस इफ्तारी हमने कर ली है, इफ्तारी के बाद देखे जी ये हाल होता है, अब हम लेटे हुए हैं और हिलने को भी दिल नहीं ना कर रहा, बच्चों थक गए हैं ना बहुत, पेट फुल हो गया ना इस वजह से। और जी ठंडे ठंडे एयर कूलर के सामने हम लेटे हुए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। आपकी भाभी सामने खड़ी हुई है, ये देखिए ये है बेबी, टाइम हो गया बिल्कुल जी, आवाज़ ख़राब आ रही होगी क्योंकि ये चल रहा है, ऐसे जो उनसे है ना केबल का ज़माना ख़त्म हो गया, लेकिन केबल हमने इनके लिए लगवाई ताकि ये कार्टून वगैरह देखते रहें। हाँ ताकि ये बिजी रहे, ये वैसे शरारतें बहुत ज़्यादा करते हैं, बात नहीं आते हर हिसाब से ज़्यादा शरारती है, हर की वजह से सब शरारती है। क्या नहीं वीडियो बना रहे हैं, बना रहे हैं। आप ज़्यादा मेरे साथ फ्री हो गया ना, फ्री हो गया ठीक है गाइस, पूरा दिन गुजर गया। इंशाल्लाह जी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।